नमस्कार, मैं मनोज लांबा, टेक फॉर वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस हफ्ते के फाइनेंशियल और स्टॉक अपडेट्स लेके आपके सामने प्रस्तुत। पहला बड़ा अपडेट, 11 स्टॉक रोज टू टच देयर 52 वीक हाई ऑन NSE ऑन फ्राइडे। इस हफ्ते में शेयर बाजार में कुछ तेजी आई, कुछ तेजी बनी रही, जिसकी वजह से 11 स्टॉक्स NSE में ऐसे हैं जिन्होंने 52 वीक हाई को टच किया। निफ्टी क्लोजेज एट 9.54 ऑन फ्राइडे एंड BSE क्लोजेज ऑन 31327 ऑन फ्राइडे। NSE इस हफ्ते के अंत में 9154 पर बंद हुआ और BSE इस हफ्ते में 31327 पे क्लोज हुआ। तीसरी बड़ी खबर, फेसबुक हैज ब्राउट 9.9% स्टेक इन रिलायंस फॉर 43574 करोड़ 43574 करोड़ टू लॉन्च ए न्यू सुपर ऐप ब्रिंगिंग ऑल फिनटेक टेक्नोलॉजीज अंडर वन रूफ। फेसबुक ने इस हफ्ते में अभी एक बहुत मेगा रिटेल सेक्टर को बूम लाने के लिए इन्वेस्टमेंट की, रिलायंस के साथ टाई अप किया, जिसमें उसने रिलायंस का 9.9% हिस्सा 43574 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके बाद रिलायंस का शेयर में काफ़ी उछाल देखा गया और रिलायंस का शेयर 1425 रुपए एट प्रेजेंट चल रहा है और ऐसी संभावना है कि रिलायंस में अट्रैक्शन अभी इन्वेस्टर्स की और बनी रहेगी। यह डील बहुत ही बड़ी डील है और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के रिटेल मार्केट को बूम करने के लिए, रिटेल मार्केट को फर्दर स्ट्रेंथन करने में भारतवर्ष में बहुत मदद करेगी और यह डील पेटीएम को, फोनपे को एक बड़ी टक्कर दे सकती है, ऐसा संभावनाएं लगाई जा रही है। चौथी बड़ी खबर, मारुति ज्वाइन हैंड्स विद AGVA हेल्थ केयर टू सप्लाई 10,000 वेंटिलेटर्स बाय मई एंड। मारुति ने बताया कि उन्होंने 10,000 वेंटिलेटर मई एंड तक प्रोवाइड करने का संकल्प लिया है। यह 10,000 वेंटिलेटर की जो सप्लाई है वो उन्होंने एक AGVA हेल्थ केयर के साथ टाई अप किया है, जिसके सहयोग से वो 10,000 वेंटिलेटर भारत सरकार को प्रोवाइड करें, जो हमें COVID-19 के इस संकट से लड़ने में हेल्प करेंगे। Amazon, द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रोल्स आउट इट्स प्रोग्राम टू लिस्ट लोकल शॉप और एज सेलर्स। Amazon आपको पता है पूरे विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी खरीद सकते हो। अब ये लोकल रिटेल आउटलेट्स को कैप्चर करने की योजना बना रही है और इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए भारत में 5,000 ऐसे रिटेलर्स को जोड़ा जाएगा जो अभी तक मोहल्ले, गलियों, कोनों पे दुकानें चला रहे हैं और उनकी अभी ई प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स में कोई रुचि नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ जुड़कर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन घर घर तक पहुंचने की योजना बना रहा है। पांचवी बड़ी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स प्लेस ड्राफ्ट वैल्यूएशन बिल, ड्राफ्ट वैल्यूअर बिल 2020 ऑन इट्स पोर्टल फॉर पब्लिक कमेंट अप टू 14 May 2020, रिकमेंडिंग टू एस्टेब्लिश ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ड्राफ्ट बिल, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ बिल डीलिंग विद ड्राफ्ट वैल्यूअर बिल 2020 अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है। इसे 14 मई 2020 तक पब्लिक कमेंट के लिए ओपन रखा गया है। जो लोग भी इस बिल पर अपना कमेंट देना चाहते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर अपने कमेंट दे सकते हैं। इस बिल में एक नया इंस्टीट्यूट जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स कहा जाएगा बनाने की बात भी कही जा रही है। ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, जो मैंने आपसे साझा किए। अगले हफ्ते तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेक फॉर वेल्थ और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इन्हीं हफ्तों के साथ। नमस्कार।